हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये आप लेडीज जैकेट पे, कार्डिगन पे, जेंट स्वेटर पे, बच्चों के स्वेटर पे, शॉल, स्कार्फ, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरफ से एक जैसा डिजाइन है, तो रिवर्सेबल प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए देखिए, सेवन यहाँ से लेके यहाँ तक 7-7 स्टिचेस हैं। तो 7-7-7-7 ऐसे करके आप डबल क्रोशिया कर लीजिए, तो आपका डिजाइन सेट हो जाएगा। और एजेस के लिए 2 स्टिच रखे हैं इधर, 2 रखे हैं इधर, तो आपका डिजाइन एकदम सेट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहे नए से नए डिजाइन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी इंजॉय कर सकें। तो आइए करते हैं स्टार्ट। यहीं से हमने डिजाइन स्टार्ट कर देना है। फ्रेंड्स, ये मैंने 23 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, तो इसी के ऊपर मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये 2 चेन कर ली हैं, 1 और 2, 2 हमने एज के लिए डबल क्रोशिया लगा लिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हम 2 स्टिच छोड़ देंगे, तीसरे में चले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 डबल क्रोशिया करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे तो नेक्स्ट इसमें आ जाएंगे, तो 1, फिर अगले में 1, इस तरह से 2 स्टिच बना लेने हैं। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 स्टिच हैं हमारे, और 2 हमारे ये एज के हैं। तो इसी के हिसाब से आप डिजाइन डबल क्रोशिया बना लीजिए, आपका डिजाइन एकदम सेट हो जाएगा। फिर से रिपीट करेंगे अब इसको, 2 छोड़ेंगे और तीसरे में आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 छोड़ेंगे, 1, 2, 2 स्टिच बना लेंगे, 1, 2 छोड़ेंगे, तीसरे में आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ 2 स्टिच छोड़ेंगे और 2 एज के लिए रख लेंगे। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, 2 चेन करेंगे और एज स्टिच लगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1, 2 स्टिच छोड़ेंगे, तीसरे में चले जाएंगे, 1, फिर अगले में चले जाएंगे, 2, 2 स्टिच लगा लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने ये देखिए, ये 6 स्टिच में से 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर, बीच वाले 2 स्टिच हैं उनके ऊपर मैंने 2 स्टिच बनाए हैं। अब इस स्टिच को इस तरह से उठा के बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, और छठा स्टिच हमने ये ऐसे उठा के बनाना है, 6। इसी को बार बार हमने रिपीट करना है, 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1, 2,
एक दो तीन चार पांच पांच और छठा स्टिच यहां से लेना है, छह, एक दो छोड़ेंगे, तीन चार दो छोड़ेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पे, एक और दो, सेकंड रो भी बन गई है हमारी। अब थर्ड रो पे आएंगे, एक दो, एक दो, एज स्टिच लगा लिए ये। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये दो स्टिच हैं जो यहाँ पे हमने डिजाइन को शिफ्ट कर जाना है, ये उठा के बना लिया, एक दो तीन चार पांच और छठा ये छह, फिर दो स्टिच छोड़ के तीसरे में आ गए, तीसरा और चौथा इस तरह बनाएंगे, ये दो छोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएंगे, एक दो तीन चार पांच और ये छह, एक दो छोड़ देंगे तीसरे में आ जाएंगे, एक दो, फिर दो छोड़ेंगे तीसरे में आ जाए, इसमें आ जाएंगे दो स्टिच हैं जो एक उठा के बना लिया, दो तीन चार पांच, ये चार स्टिच इसके अंदर आते हैं, दो स्टिच हमारे ये नीचे वाले स्टिच हैं इनको उठा करके बनाते हैं, तो हमारे छह स्टिच हो जाते हैं पूरे। ये देखिए नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, नेक्स्ट रो पे फिर से हमने शिफ्ट करना है डिजाइन को, दो स्टिच छोड़ेंगे तो तीसरे में आ गए, एक दो, अब देखिए यहाँ पे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः, एक दो, एक दो तीन चार पांच और छः, एक दो छोड़ेंगे तीन चार, अब यहां पर स्टिच लगा लेंगे, तो ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से ये डिजाइन बनता जाएगा। अब आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।